अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। आप सभी कपड़ों के दुकानदारों के लिए एक नई खुशखबरी। आप लोगों की डिमांड पर बहुत बड़ा मशहूर होलसेलर जीन्स कॉर्नर, रेडीमेड के थोक विक्रेता, मेंस वियर और किड्स वियर। आज ही चले जीन्स कॉर्नर, पता है जैन स्वीट्स के सटे व भी मार्ट से 50 कदम दूर, फतेहपुर बाईपास रोड, साई कॉम्प्लेक्स, सीवान। मोबाइल नंबर 9525949737, 7352427374। प्रोपराइटर कुणाल जी व विशाल जी। अभिनव सेवा क्लिनिक एवं मैटरनिटी सेंटर, जहां जनरल फिजिशियन और पटना के पूर्व सिविल सर्जन डॉक्टर एस के अमन के द्वारा छाती पेट मूत्र जोड़ रोग का बेहतर इलाज किया जाता है, वहीं बिहार सरकार की चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर श्रीमती निशा कुमारी अंजलि के द्वारा स्त्री एवं प्रसूति रोग का सकुशल इलाज होता है। 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है। अच्छे और बेहतर इलाज के लिए एकमात्र अभिनव सेवा क्लिनिक एवं मैटरनिटी सेंटर, बड़हरिया स्टैंड से 100 मीटर उत्तर तरफ, चकिया रोड, सिवान। हेल्पलाइन नंबर 9955921144। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL लाइव और मैं हूं चंदन। अभी हम मौजूद हैं सिवान के जल संसाधन विभाग में और आपको बताते चले कि पटना से आई निगरानी विभाग की टीम के द्वारा जल संसाधन विभाग के स्कूटी इंजीनियर जो हरि विष्णु कुमार हैं, उनके यहाँ छापेमारी चल रही है। कार्यालय में छापेमारी चल रही है, तस्वीरें आप देख सकते हैं, लेकिन हरि विष्णु जो हैं वो कल से उनका ट्रांसफ़र हुआ था, कल वो चले गए। ये कार्यालय है और विजिलेंस की टीम यहाँ पे पहुँची हुई है, लगातार इनके कई ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। ये उनका कार्यालय है और ठीक सामने आप देख सकते हैं जो बोलेरो गाड़ी लगी हुई है, सरकारी आवास है, ये सिवान का सरकारी आवास है। यहाँ पर भी छापेमारी चल रही है। DSP निगरानी के अरुणोदय कुमार के नेतृत्व में तमाम टीमें जो हैं वो पटना से आई हुई हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे तमाम जो यहाँ के कर्मी हैं सभी लोग यहाँ पे मौजूद हैं। विजिलेंस की टीम इन लोगों पर भी निगरानी रखी हुई है और अभी क्या कुछ मिले हैं इस संबंध में अभी कुछ कह पाना बेहद ही मुश्किल है। तमाम लोगों से पूछताछ चल रही है। कार्यालय के भीतर की हम दृश्य आपको दिखाएंगे। फूलों की माला जो है यहाँ पे लाए गए थे क्योंकि जो हरे कृष्णा प्रसाद हैं उनका ट्रांसफ़र हो गया है और ये बख्तियारपुर शायद वो चले गए हैं। कल इनकी विदाई समारोह होनी थी लेकिन शायद पहले से उनको भनक मिल गई थी, जिसको लेकर के माला तो आ गया लेकिन विदाई नहीं हो सका। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि ये श्री हरे कृष्ण प्रसाद जो कि जल संसाधन विभाग के कार्यपालक अभियंता ये हैं, 18/8/2016 से थे, कल ये चले गए हैं। निगरानी विभाग की टीम आप देख सकते हैं यहाँ पे भी तमाम जो भी कार्यालय है अलग अलग डिपार्टमेंट सभी जगहों पे पहुँच करके, चाहे उनका सरकारी कार्यालय है या फिर उनके आवास हैं, तमाम जगहों पे छापेमारी चल रही है। पटना के भी जगहों पे छापेमारी चल रही है। यहाँ पे बड़ा बाबू इस विभाग के मौजूद हैं, छापेमारी चल रही है, निगरानी विभाग की टीम आई हुई है। पदाधिकारी आपके कहाँ हैं जिनको लेकर के रेड हो रहा है? पदाधिकारी गए हैं अथी में, आप वहाँ चार प्रभार लेने के लिए गए हैं कल जी। तो कल ये माला वाला देखा जा रहा है कि आया हुआ है, विदाई समारोह हुआ कि नहीं? विदाई समारोह नहीं हुआ, कहे कि प्रभार नहीं हुआ है तो अभी विदाई कैसे होगा, तो इसलिए विदाई नहीं हुआ। अच्छा जी, लेकिन ऐसा तो कभी होता नहीं है कि माला आ जाए और विदाई समारोह ना हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हें भनक लग गई थी कि विजिलेंस का शिकंजा हमारे पर कसे? ऐसा कुछ नहीं है सर, ऐसा जानकारी हम लोगों को कुछ नहीं है जी। ये जानकारी है ना कि विजिलेंस की टीम आई है तो किस लिए रेड की हुई है? आय से अधिक संपत्ति का मामला है या फिर क्या, उस तरह का तो कुछ मिला होगा उन लोगों को? तो उन लोगों को क्या मिला है सर, इसकी जानकारी हमको नहीं है। नहीं। जी जी, चतुरानंद पांडे। बिल्कुल, आपने देखा कि बड़ा बाबू के पद पे तैनात हैं और तमाम यहाँ पे कैमरामैन से चाहेंगे, इधर से आप देख सकते हैं निगरानी विभाग की टीम लगी हुई है, लेखा जोखा चल रहा है। थोड़ा सा सर से भी बात कर लें कि क्या कहना चाहेंगे, तमाम जगहों पर एक साथ आप लोगों ने रेड कर दिया। इनके विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति का FIR दर्ज किया गया था निगरानी थाना में, जिसके आधार पर आज एक साथ जो है राज्य के विभिन्न जगहों पे रेड की कार्रवाई की जा रही है। यहाँ पर इनके आवास और इनके कार्यालय में रेड की कार्रवाई की जा रही है और ये अभी जारी है। वो सर नहीं मिल पाए हैं, वो चले गए? हाँ, उनके कार्यालय के स्टाफ द्वारा बताया गया है कि वो कल ही यहाँ से पटना के लिए प्रस्थान किए हैं। क्या क्या सर कुछ जब्त किए गए हैं ये सर, क्या कुछ? अभी इन कार्यालय से पता चला है कि इनका स्थानांतरण हो चुका था यहाँ से
और हस्तांतरण के पश्चात ये इनके आवास में भी जो सामान था इनका अपना निजी वो समेट कर जा चुके हैं और कार्यालय की तलाशी जारी है। सर क्या माना जाए कि आवास से वो निकल गए हैं, सब कुछ चला गया है, माला भी आया, विदाई नहीं हुआ, आनंद फानंद में सब कुछ कहीं ना कहीं भनक लग गई थी कि आगे निगरानी का सिकंजा कसेगा? नहीं, इनका वहाँ भी कार्रवाई चल रही है और ठिकाने से, चूंकि एक बार कार्रवाई पूरी हो जाए तो पटना भी चल रही है जी। कुछ मिला है जानकारी? ये पटना ही गए हुए हैं तो वहाँ पटना में जो है भारी पैमाने पर नकदी, जेवरात, निवेश, इन सब दस्तावेज वगैरह बरामद किए गए हैं। मगर अब चूंकि विभिन्न जगहों पर मैं यहाँ पर हूँ तो सारे समयगत रूप से आपको बाद में मुख्यालय से इसकी जानकारी। शुभ नाम सर? मेरा नाम संजय कुमार जायसवाल है, मैं निगरानी DSP हूँ। मेरे साथ 11 सदस्यीय टीम है जिसमें कि और भी DSPs हैं, इंस्पेक्टर्स हैं, सब इंस्पेक्टर्स हैं। बहुत बहुत धन्यवाद संजय कुमार जायसवाल, निगरानी के DSP हैं। और जैसा कि आपने देखा, लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि निगरानी विभाग की टीम का सिकंजा है, पटना के आवास पर छापामारी हुई है, तस्वीरें देख सकते हैं। तमाम लोगों को कार्य करने से फिलहाल अभी रोका गया है, तमाम लोगों पर नजरें हैं। निगरानी विभाग ने जो रेड किया है पटना के उनके आवास से, भारी मात्रा में जैसे कि बताया जा रहा है कुछ डॉक्यूमेंट्स जब्त किए गए हैं, जो नगद है वो जब्त किए गए हैं और जेवरात भी जब्त किए गए हैं। बताया जा रहा है कि ये करोड़ों में हो सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर इनके पास इस तरह का इतने सारे जेवरात, इतने सारे कैश रुपए कहाँ से आए, यह निगरानी विभाग की टीम जांच कर रही है, क्योंकि आय से अधिक के संपत्ति का मामला है और इसको लेकर के उनके कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी चल रही है। जल संसाधन विभाग के जो यहाँ पे जिला अभियंता थे और उनका ट्रांसफ़र भी हो गया है। बताया जा रहा है कि बख्तियारपुर में उनका ट्रांसफ़र हुआ है, प्रभार नहीं लिए हैं, लेकिन माला आया हुआ था विदाई समारोह करने के लिए आनंद फानंद में, वो यहाँ से चले गए। सबसे बड़ी बात है कि तमाम उनके जो यहाँ पे जो उनके सरकारी आवास थे वहाँ से भी सामान जा चुके हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से आनंद फानंद में क्वार्टर खाली हो गए और वो चले गए, विदाई नहीं हुई, तो जाहिर सी बात है कि कुछ तो भनक जरूर उन्हें लगी है, जिसको लेकर के विदाई समारोह में भी वो शामिल नहीं हो सके और आनंद फानंद में क्वार्टर को छोड़ करके, सरकारी आवास को छोड़ कर वो सीवान से दूसरे तरफ रवाना हो गए। देखना होगा निगरानी विभाग की टीम और क्या क्या इनके पटना से लेकर के और जिन जिन ठिकानों पर छापेमारी हुई है बरामद कर पाती है, यह तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारे सहयोगी प्रभात तिवारी के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव सीवान। थायराइड, शुगर और मोटापे से हैं परेशान तो मेट्रो हॉस्पिटल सिवान है एक बेहतर समाधान। डॉक्टर MS अहमद अंतर्राष्ट्रीय कुशलताओं के साथ दे रहे हैं सेवाएं। संपर्क करें सेंटर पॉइंट, चकिया बिंदुसार रोड, सिवान। बड़े बड़े महानगरों की तर्ज पर खुल गया आपके शहर सिवान में द फूड कोर्ट होटल एंड रेस्टोरेंट, सबसे खास सबसे अलग, जहां मॉकटेल से लेकर एक से बढ़कर एक स्वादिष्ट व्यंजन उपलब्ध है। मनानी हो बर्थडे पार्टी या अन्य कोई भी फंक्शन तो आज ही चले द फूड कोर्ट होटल एंड रेस्टोरेंट, द टेस्ट ऑफ लखनऊ, झुनापुर हाईवे से सटे सिवान। ऑनलाइन भी ऑर्डर दे सकते हैं, मोबाइल नंबर 7766964414।